नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की पेशकश साइंस दिस वीक कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सप्ताह भर के विज्ञान खंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर बहुविकल्पीय रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ में होती है इसकी व्याख्या भी। हमारी कोशिश होती है कि इन महत्वपूर्ण खबरों के माध्यम से आपकी आगामी परीक्षा की राह आसान हो सके। तो चलिए देखते हैं सप्ताह की महत्वपूर्ण कौन कौन सी खबरें हैं जो प्रश्न के रूप में आपकी परीक्षा में आ सकती हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि जरा दूरदृष्टि यानी प्रेस बायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेस बायोपिया, जैसा कि आप जानते हैं, एक रोग है। इसके संबंध में दो कथन दिए गए हैं कि ये उम्र से जुड़ी एक स्थिति है जिसमें आंखें धीरे धीरे पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देती हैं। दूसरा कथन है इसकी समस्या लोगों में सामान्यतः 40 की उम्र के आसपास शुरू होती है। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। विकल्प आपके सामने है, ए केवल एक, बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो। दोनों विकल्प भी ना तो एक ना ही दो। तो दरअसल इसका सही विकल्प उपयुक्त विकल्प सी होगा। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। दरअसल हाल ही में मुंबई में स्थित जो एंटोड फार्मास्यूटिकल्स है, इसने ये घोषणा की है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने उसके नए आई ड्रॉप को मंजूरी दे दी है। अब इसने एक ऐसा आई ड्रॉप बनाया है जिसमें कि इस आई ड्रॉप को डालने के बाद आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अमूमन इस्तेमाल में लाया जाता है जो कि इस बीमारी से लोग पीड़ित होते हैं। अब देखिए, ये आई ड्रॉप एक विशेष रूप से प्रेस बायोपिया से जो प्रभावित लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए पढ़ने के दौरान जो चश्मा लगाया जाता है उस पर उनकी निर्भरता को कम कर देगा। अब देखिए, इसका इस्तेमाल जो होगा, जिस आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है प्रेस वू। ये इसका नाम है। इस नाम के इस आई ड्रॉप को बनाया गया है किसके द्वारा? एंटोड फार्मास्यूटिकल के द्वारा। इसको मान्यता भी मिल गई है और भारत में अपनी तरह की ये पहली ड्रॉप है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के लिहाज से। अब देखिए, जरा दूरदृष्टि अर्थात प्रेस बायोपिया के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। दरअसल ये एक उम्र से जुड़ी हुई बीमारी है। जब व्यक्ति 40 के उम्र के आसपास पहुंचता है तो वो पास की जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को धीरे धीरे खोने लगता है। इसलिए जो आंखें होती हैं वो धीरे धीरे जो पास की वस्तुओं पर जो फोकस नहीं कर पाती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, इसलिए चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस आई ड्रॉप के माध्यम से अब इस विकृति को दूर किया जा सकेगा। इसलिए आपका पहला कथन बिल्कुल सही है, सामान्यतः 40 की उम्र के बाद यह होता है। तो दूसरा कथन भी, ये समस्या शुरू होती है 40 के आसपास के एज में, तो दूसरा कथन भी आपका सही होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लेंस होता है, यहां पर आप तस्वीरों में आगे आपको हम दिखाते हैं, लेंस रेटिना पर प्रकाश को सही ढंग से केंद्रित करना बंद कर देता है। इसकी वजह से यह समस्या शुरू होती है। जैसे इसमें आप देखें, जो लेंस यहां पर स्थित है ये क्या करता है कि रेटिना क्या है, ये पतली परत है जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है, इस पर फोकस करने का काम जो है वो लेंस जब काम करना बंद कर देता है तभी हम चश्मा लगाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये आई ड्रॉप उस चश्मे की स्थिति को बनने नहीं देगा, लेंस अर्थात यहां पर फोकस करेगा। तो ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब देखिए, आंख का एक आंतरिक हिस्सा होता है लेंस, जो कि आंख को फोकस करने में मदद करता है, जबकि रेटिना आंख के पीछे ऊतक की एक प्रकाश संवेदनशील परत होती है, जो यहां पर आपको ये दिखाई दे रही है। रेटिना की स्थिति है, यहां पर लेंस की स्थिति है। अब इसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए चश्मा एक प्रभावी तरीका माना जाता है, लेकिन इस आई ड्रॉप की वजह से अब उससे हमको निजात मिलेगी। इससे पहले USA में भी एक ऐसा देखा गया, ऐसा आई ड्रॉप, वहां के खाद्य औषधि प्रशासन ने 2021 में इसके लिए पिलोकार्पिन नाम का एक आई ड्रॉप जो था उसको मंजूरी वहां पर USA में भी दी गई थी। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बता रहा है पहले कथन में। दूसरा, यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? विकल्प के आधार पर चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। सही विकल्प क्या है इसमें? दरअसल जो पहला विकल्प है आपका गलत है, दूसरा विकल्प आपका सही है, तो यहाँ बी विकल्प आपका सही हो गया। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो देखिए, भारत ने जो ओडिशा है, ओडिशा का चांदीपुर वो स्थान है जहां पर एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहां से अपनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 को इसके सफल प्रक्षेपण को संपन्न किया। अब इस प्रक्षेपण में क्या हुआ, ये DRDO द्वारा सामरिक बल कमान की निगरानी में किया गया। और यहां पर ये जो नया परीक्षण है, इससे पहले जो परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? अप्रैल 2024 में। इसमें नई पीढ़ी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, इसका परीक्षण किया गया था, उसके बाद ये परीक्षण किया गया है।
तो देखिए यहाँ पर इसके विषय में कुछ तथ्य आप जान ले अग्नि 4 मिसाइल के बारे में। दरअसल ये मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, न कि सतह से हवा में, इसलिए आपका पहला कथन उसमें गलत हो जाता है। साथ ही साथ अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता की अगर बात कर लें तो ये 4000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। अगर बात करें इसके लंबाई की तो 20 मीटर इसकी लंबाई है। पेलोड ले जाने की क्षमता की बात करें तो ये 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। और अग्नि श्रृंखला जो है उस श्रृंखला की ये चौथी मिसाइल है, जैसा कि अग्नि 4 नाम से स्पष्ट है। और इस लिहाज से अगर देखें चौथी मिसाइल है तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 12 का, ध्यान देंगे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो देखिए 12 का क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब ये संयंत्र कहां स्थित है, विकल्प आपके सामने है ईरान, रूस, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही विकल्प क्या है, इसका सही विकल्प है डी, यानी यूएई में। यूएई का ये 12 जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वहां का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो बनकर तैयार हो गया है। और न सिर्फ यूएई बल्कि अरब जो कंट्रीज हैं उसका ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का काम पूर्ण कर लिया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इसका निर्माण किसके सहयोग से हुआ है, तो दक्षिण कोरिया के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। और इसका नाम जो 12 है परमाणु ऊर्जा संयंत्र रखा गया है, इसलिए आपका विकल्प डी सही है। विकल्प डी आपका क्या है, विकल्प डी आप देख लें यूएई है, यानी यूएई का यह पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम 12 है। और ना सिर्फ यूएई बल्कि ये पूरे अरब जो कंट्रीज हैं उसका यह पहला है, इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस मिशन में कोई ऑर्बिटर नहीं था। दूसरा कथन है, इस मिशन के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। अब इसमें से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है, तो विकल्प आपका एक है, ए है केवल एक, विकल्प बी केवल दो, एक या दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक नहीं दो। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही हैं, इस लिहाज से आपका विकल्प सी सही होगा। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं, तो दरअसल जो हाल ही में खबर आई उसमें क्या हुआ, चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से कुछ चीजों को कैद करता है, जिसकी वजह से इसकी फिर चर्चा होने लगी। क्या चीज है वो बताया है, तो उसने 250 से अधिक भूकंपीय संकेतों का पता लगाया है, और ऐसा करने वाला यह पहला चंद्र मिशन बन गया है, इसकी वजह से इसकी चर्चा फिर हो रही है। अब इसकी जब चर्चा हो रही है तो इसके दूसरे पक्षों को भी जान लेते हैं। तो देखिए चंद्रयान 3 मिशन जो है, यह चंद्रयान 2 के बाद इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया, दूसरा प्रयास था, दूसरे प्रयास में सफलता मिली। अब देखिए चंद्रमा, क्योंकि पहले इससे पहले जब प्रयास हुआ तो हम सॉफ्ट लैंडिंग में थोड़ी सी चूक की वजह से सफल नहीं हो सके थे, लेकिन यहां पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के दूसरे प्रयास में हम सफल रहे। और चंद्रयान 3 मिशन में केवल लैंडर और रोवर थे, ऑर्बिटर नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला कथन भी आपका सही है। तो कथन आपका ये पहला भी करेक्ट होता है। इस मिशन से जुड़े जो लैंडर है उसका नाम क्या है, तो लैंडर का नाम विक्रम है, और जो रोवर था उसका नाम क्या है, उसका नाम प्रज्ञान है। और 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता मिली, इसी वजह से 23 अगस्त का महत्व भी है। 23 अगस्त के दिन को अब हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है 23 अगस्त भारत में। और इस मिशन की सफलता के बाद चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पूरे विश्व का पहला देश बन जाता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो दूसरा कथन भी आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा के लिए, निजी अंतरिक्ष यात्रा की बात हो रही है, अंतरिक्ष में भेजा है। कंपनी का विकल्प आपके सामने है, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिक या अग्निकुल ब्रह्मांड। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है बी आपका, स्पेस एक्स। अब देखिए स्पेस एक्स ने क्या किया है कि पहला निजी यात्रा जो है, अंतरिक्ष की निजी यात्रा स्पेस एक्स के द्वारा की जा रही है। अब इसके अनुसार जो स्पेस एक्स है उसने 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों को इसके लिए तैयार किया है, उनको एक कैप्सूल में बिठाया गया है, उसको एक रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। अब 4 अंतरिक्ष यात्रियों को दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। चूंकि दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्रा है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो कि निजी प्रयासों से हो रही है। अब इन अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसको किसके द्वारा भेजा जाएगा, उस रॉकेट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो फॉल्कन 9 उस रॉकेट का नाम है, ये भी याद रखेंगे। और इन यात्रियों को जिस मिशन के तहत भेजा जा रहा है, इस मिशन का नाम भी आप याद रखेंगे, पोलारिस डॉन मिशन इस मिशन का नाम है।
इस मिशन से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, पोलारिस डॉन मिशन इसका नाम है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। और इस अंतरिक्ष यात्रियों का जो दल है, इसमें 4 लोग हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इसमें देखिए, इस यात्रा में ये जो चालक दल है, इसमें एक अरबपति भी शामिल है। उन अरबपति का नाम क्या है? जेरेड इसाकमैन। और साथ ही साथ एक सेवानिवृत्त अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है, जिनका नाम स्कॉट पोटेट है। साथ ही स्पेस एक्स के 2 कर्मचारी भी इसमें हैं, जिसमें कि एक का नाम अन्ना मेनन है और एक सारा गिलिस है। ये लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ये 4 लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक अरबपति है, एक सेवानिवृत्त सैन्य हम कह सकते हैं अधिकारी हैं अमेरिका के, और 2 स्पेस एक्स के कर्मचारी हैं। इसलिए विकल्प बी भी आपका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नई प्रजाति करकुमा उंगमेंसिस, जो अदरक फैमिली के जिंजी बेरेसी से संबंधित है, किस राज्य में पाई गई है? राज्य का विकल्प आपके सामने है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका विकल्प ए, नागालैंड में यह पाया गया है। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। तो देखिए, शोधकर्ताओं ने शोध किया और नागालैंड में करकुमा वंश की एक नई प्रजाति की खोज की है, आप यहाँ चित्रों में देख सकते हैं। और ये शोधकर्ताओं ने ये बताया कि जो करकुमा उंगमेंसिस है, ये इसका नाम होगा, अर्थात जो शोधकर्ताओं द्वारा इसका नाम रखा गया, वो रखा गया करकुमा उंगमेंसिस। अब ये प्रजाति नागालैंड के मोको कचुंग जिले के उंगमा गांव में पाई गई है। इसके आधार पर इसके नाम में आपको ये चीज परिलक्षित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अगर करकुमा उंगमेंसिस के बारे में हम देखें, तो ये प्रजाति अदरक फैमिली की जिंजी बेरेसी से संबंधित है। तो जिंजी बेरेसी अदरक फैमिली से इसका संबंध है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। और खासतौर पर पीले रंग के फूल इसमें खिलते हैं, और विशेष रूप से कब खिलते हैं? जब बरसात का सीजन होता है। और विशेष रूप से आप देखें तो अगस्त से अक्टूबर के समय तक, बरसात के मौसम में, इसमें पीले रंग का फूल आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ ये प्रजाति जो है, उसका वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से एक प्रकंदीय जड़ी बूटी है। प्रकंद क्या होता है? प्रकंद वो तना होता है जो कि भूमिगत होता है, भूमि के अंदर वाला जो तना होता है उसको प्रकंद कहते हैं। अब प्रकंद भूमिगत तना होता है, तो ये भी क्या है? वनस्पति विज्ञान की भाषा में हम कहें तो एक प्रकंदीय जड़ी बूटी है, अर्थात भूमि के अंदर रहने वाले तने का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS मालपे, ध्यान रखेंगे INS मालपे और INS मुल्की, ये 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं। अब इनका निर्माण किस श्रेणी के अंतर्गत किया गया है? विकल्प आपके सामने है, माहे श्रेणी, शिशुमार श्रेणी, सिंधु घोष श्रेणी या कलवरी श्रेणी। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है विकल्प ए, माहे श्रेणी के अंतर्गत INS मालपे और INS मुल्की, जो कि पनडुब विरोधी अर्थात एंटी सबमरीन युद्धपोत हैं, इनको लॉन्च किया गया है। अब देखिए, इनका नाम INS मालपे और INS मुल्की रखा गया है, तो इस नाम को याद रखेंगे। इनके विषय में कुछ तथ्य हैं, ये पनडुब विरोधी युद्धपोत शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। तो ये याद रखेंगे, परियोजना कौन सी परियोजना है? तो शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना है, और उसके अंतर्गत निर्मित ये क्रमशः 4th और 5th नंबर के दोनों जहाज हैं। तो इसका क्रम भी आप याद रखेंगे, और इन जहाजों का निर्माण माहे श्रेणी के अंतर्गत किया गया है, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। और स्वदेशी रूप से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है, अर्थात ये स्वदेशी रूप से बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं। और ये छोटे आकार के युद्धपोत हैं, और इन्हें इन छोटे आकार की वजह से कॉर्वेट भी कहा जाता है। और ये जहाज भारतीय नौसेना के सेवारत जो अभय श्रेणी के कॉर्वेट हैं, ASW कॉर्वेट हैं, उनकी ये जगह लेंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे, किसकी जगह लेंगे? तो अभय श्रेणी के जो ASW कॉर्वेट थे, उनकी ये जगह लेंगे। अंत में एक सूचना आपके लिए है, अभ्यास प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, उससे पहले एक सूचना है कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दृष्टि IAS की तरफ से आपको छूट दी जा रही है। इस छूट के बारे में हम आपको बताएं तो UPPCS, साथ ही RAS और MPPSC, इसके GS फाउंडेशन कोर्स पर आपको 40% की छूट दी जा रही है। साथ ही साथ इसके लिए आपको EMI की सुविधा भी डिस्काउंटेड फीस के साथ भी उपलब्ध है। और इससे संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप विस्तार से इन दोनों नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप, इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा, वहां जाके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। अंत में हम चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। जैसा कि हमारी परिपाटी है अंत में अभ्यास प्रश्न की, तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब जरूर देंगे। अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा की मिट्टी से पानी बनाने की विधि विकसित की है? विकल्प आपके सामने है, भारत, चीन, अमेरिका या रूस। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।